दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर पूजा, और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। ये वीडियो महिलाओं के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज से सफर कर रहे हैं। पीसीओडी के चलते बहुत सारी लड़कियों को अपने पीरियड्स में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे ओवरी में छोटी छोटी गांठ पड़ जाती है, यानी कि सिस्ट बन जाता है, तो इसे हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी के बीमारी के कारण और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे शारीरिक हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर इफेक्ट करती है, जैसे मुहासे या फिर बेचैनी और स्ट्रेस का अचानक बढ़ना, तनावपूर्ण जीवन शैली तैयार होना और हमारे चेहरे पर बाल उगना, ऐसी छोटी छोटी कई सारी समस्याएं हमें हमारे पीछे पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर आगे जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आप इस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला जो आसन है जिसका नाम है पद्मासन। पद्मासन को इंग्लिश में लोटस पोज भी कहते हैं। लोटस पोज को करने के लिए आपको अपने योगा मैट पर बैठना है और इस तरह से सबसे पहले एक पैर को दूसरे के जांघ के ऊपर या फिर थाई के ऊपर रख देंगे और फिर दूसरे पैर को उठा के इस तरह से क्रॉस लेगेड पोजीशन में रख के हम लोटस पोज की जो कुछ भी पोजीशन है वो ग्रहण कर लेंगे। यह है हमारा पद्मासन। पद्मासन ये एक बिल्कुल ही अच्छा आसन है हमारे लोअर बॉडी के लिए। हमारी लोअर बॉडी इससे स्ट्रेंथन होती है और अंदर की जो मांसपेशियां है हमारे लेग्स की, हमारे हैमस्ट्रिंग की और ओवरऑल जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो भी हेल्दी रहते हैं इस पोस्चर की वजह से। पद्मासन में बैठ के हमें इस तरह से ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा बनानी है अपने हाथों से, और पीठ को सीधा रखते हुए शोल्डर को रोल बैक करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे और इस पोजीशन में कम से कम 3 मिनट के लिए रुकेंगे। ओपन योर आईज। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले योगा पोश्चर की ओर, जिसका नाम है तितली आसन, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। बटरफ्लाई को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पद्मासन की पोजीशन हटानी है और इस तरह से बटरफ्लाई के विंग्स के जैसे अपने पैरों को फैलाना, खोलना है। अपने हाथ के उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके हम ऐसे पकड़ेंगे अपने पैर को और हमें बटरफ्लाई में इस तरह से मूविंग करना है, कुछ स्टैटिक मूवमेंट्स करने हैं। ये एक बहुत ही सूदिंग एक्सरसाइज है। ये करने के बाद हमारे जो हैमस्ट्रिंग्स के, थाइस के मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और आपको एक आरामदायी एहसास भी होता है। यहाँ पे हम कम से कम 1 मिनट के लिए बटरफ्लाई की पोजीशन करने वाले हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे राउंडेड बैक करके नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है और फिर मूविंग करना है। तो ये था हमारा बटरफ्लाई पोजीशन, यानी कि बद्ध कोणासन। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले योगा आसन की ओर, जो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में एक्चुअली हम कैट पोज भी कर सकते हैं और काउ पोज भी कर सकते हैं। तो पहले कैट पोजीशन को कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। मैं आपको साइडवेज से बताऊंगी ताकि आपको पोस्चर का अच्छे से पता चल जाए। इस तरह की पोजीशन ले लेंगे सबसे पहले मार्जरी आसन के लिए। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा और फिर हम कैट और काउ पोज करने वाले हैं, कुछ स्टैटिक मोमेंट्स। फर्स्ट जस्ट मेक आर्च ऑफ योर बैक लाइक दिस, इनहेल एंड मेक अ राउंडेड शेप। इस तरह से राउंडेड शेप बनाना है अपने बैक का, अपने पीठ का। एक्सहेल and make arch, inhale and exhale, inhale and exhale,
इस तरह से हो गया हमारा मार्जर्यासन कंप्लीट। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले योगा पोस्चर की ओर, जो है भुजंगासन, और इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। कोबरा पोज के लिए हमें अपने मैट के ऊपर पेट के बल लेट जाना है, इस तरह से। हमारे जो हाथ है वो इस तरह से चेस्ट के पास रहेंगे। अपने कोहनियों को ऐसे बाहर की तरफ ना फैलाते हुए हमें अंदर खींच के रखना है, और इनहेल करते हुए हम अपने अपर बॉडी को बेली बटन से ऊपर उठाएंगे और गर्दन को थोड़ा सा लाइटली टिल्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है इस पोजीशन में। 20 सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे नीचे जाएंगे और इस पोजीशन से रिलैक्स करेंगे। भुजंगासन के पोजीशन को हमें एक योगाभ्यास में कम से कम 3 या 4 बार दोहराना है। इस पोजीशन की जो शेप है वो कोबरा जैसा रहता है, इसलिए इसे कोबरा पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। योगा हमारे मेंटल और फिजिकल टॉक्सिन्स को दूर करता है, हमारे शरीर से तनाव को, स्ट्रेस को, टेंशन को बाहर फेंकता है। अगर ये योगा आसन आप डेली और नियमित तौर पे प्रैक्टिस करें तो आप PCOD और PCOS जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, और आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो भी अगर इररेगुलर है तो वो भी नियमित और रेगुलर हो जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपके रिव्यूज़ क्या है, आपका फीडबैक क्या है, और आपको क्या सजेस्ट करना है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सजेशन या फिर टॉपिक आप मेरे लिए सजेस्ट करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगी और आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ योगा करते रहिए और स्वस्थ रहिए। चलो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। नमस्ते।